नमस्कार, देवभूमि इनसाइडर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा रावत। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सबसे पहले देश दुनिया। 11 दिसंबर को विजय दिवस मनाकर घर वापसी करेंगे किसान। देश भर में सभी मोर्चे हटाने का ऐलान। वेलिंगटन से बेंगलुरु के कमांड अस्पताल में शिफ्ट किए गए कन्नूर हादसे में घायल हुए कैप्टन वरुण सिंह। लगातार दूसरे दिन ईडी के समक्ष पेश हुई बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस। बीते 24 घंटे में देश में सामने आए कोरोना के 9,419 नए मामले, 159 मरीजों की मौत। तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं ने वसीम रिजवी के सर कलम करने पर रखा 50 लाख रुपए का इनाम। उत्तराखंड में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की पहल, अब पहाड़ों में गर्भवतियों के वोट डलवाने को लेने आएगी डोली। आम आदमी पार्टी के कर्नल कोठियाल बोले, अब पार्टी जनता को दे सकती है मुफ्त बिजली, न्यायालय के समक्ष रखूंगा पक्ष। 21 महीने बाद जनता व मसूरी एक्सप्रेस समेत 5 जोड़ी ट्रेनों को 10 दिसंबर से मिलेगा जनरल टिकट। विधानसभा का शीतकालीन सत्र में सीएम समेत सभी नेताओं ने सीडीएस विपिन रावत को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का काशीपुर दौरा टला, अब 14 दिसंबर को आएंगे उत्तराखंड। तो ये थी आज की सुर्खियाँ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप। जय हिंद।